गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो टॉपिक है तो आज हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है लिम्फ, इसको कवर करते हैं। लिम्फ होता क्या है, व्हाट इज लिम्फ, लिम्फ भी क्या है, इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और जो लिम्फ है ये कैसे बनता है, प्रोड्यूस बाय लीकेज ऑफ ब्लड प्लाज्मा थ्रू कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें से ना ब्लड प्लाज्मा लीक हो जाता है, तो जो लीक ब्लड प्लाज्मा है जो स्पेस में आ गया, हमारे सेल्स के बीच में आ गया, टिश्यू के बीच में आ गया, स्पेस में आ गया, उसे बोलते हैं हम लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। देखो ठीक है, और लिम्फ का हम कॉम्पोजिशन समझते हैं। तो इट हैज सेम कॉम्पोजिशन एज प्लाज्मा, जैसा कॉम्पोजिशन प्लाज्मा का है बिल्कुल सेम है इसका, बट डू नॉट हैव क्लॉटिंग प्रोटीन, इसमें ना क्लॉटिंग प्रोटीन नहीं होते। इसके अलावा लिम्फ की अगर हम बात करें तो जो लिम्फ है ये जिन वेसल्स में फ्लो करता है उन्हें बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। इट इज फ्लो इन वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल में फ्लो करता है ये, और ये क्या होता है, इट री एंटर इन मेन ब्लड सप्लाई, ये मेन ब्लड सप्लाई में वापस एंटर कर जाता है, और उसमें किस में एंटर करता है, ये एंटर करता है आपके वेन्स में, ठीक है। इसके अलावा अगर जो हम लिम्फ का देखते हैं किस तरह से बनता है, कैसे फ्लो करता है, ये पॉइंट हमें लिख लिए हैं। अब हम डायग्रामेटिकली इसके फॉर्मेशन को समझेंगे। देखिए हमें पता है ये बात कि हमारी बॉडी में जो ब्लड फ्लो करता है वो ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता है ना, और उन ट्यूब्स को बोलते हैं ब्लड वेसल, ठीक है। तो देखिए प्योरीफाई ब्लड, जैसे ये ना हमारा बॉडी टिश्यू है, ये है टिश्यू, इसे न्यूट्रिएंट की, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो कौन प्रोवाइड कराएगा इसको, वो इसको प्रोवाइड कराएगा ब्लड। तो ये यहाँ से क्या हो रहा है, ये है हमारी आर्टरी, मेन आर्टरी, ये है आर्टरी, इसमें ब्लड आ रहा है, ये ब्लड कैसा है, ये है प्योर ब्लड। प्योर ब्लड का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये मूव कर रहा है, और ये आके जो आर्टरी है ना वो आगे डिवाइड हो जाती है थिनर पार्ट्स के अंदर, और जिन थिनर पार्ट्स में ये डिवाइड हो रही है इन ट्यूब्स को बोलते हैं आर्टेरियोल्स,
फिर जब ये टिश्यू के पास जाएगा तो ये आर्टेरियोल्स और थिन और फाइन ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कर देते हैं हम, ये डिवाइड हो गए फाइन ट्यूब्स में। अब देखो क्या होगा, इसके अंदर से ब्लड मूव कर रहा है, अब मैं ना ग्रीन कलर से दिखाऊंगा लिम्फ को, तो यहां से जो ब्लड है वो बाहर लीक आउट होगा, लीक आउट हुआ तो यहाँ इसके बीच में जो ये लिक्विड बन गया, दिस इज कॉल्ड लिम्फ। ठीक है, जो बाकी का अब ये फिर आर्टरी है, अब इसमें से मान लो CO2 जो है वो इसमें चला गया वेस्ट मटेरियल, ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर आ गया, तो टिश्यू का काम तो हो गया, टिश्यू को तो न्यूट्रिएंट मिल गए, उसका वेस्ट मटेरियल चला भी गया। ये वेस्ट मटेरियल सारा जो कलेक्ट होगा ये फिर थिनर ट्यूब्स जो हैं इसे कलेक्ट करेंगे, और ये जो आपको ब्लू कलर की ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं दीज आर कॉल्ड वेन्यूल्स, ये कैरी करती हैं डिओक्सिन ब्लड, और ये वेन्यूल्स फिर जॉइंट होके बनाएंगी, क्या बना लेंगी ये जॉइंट होकर, ये वापस हार्ट में जा देगी ब्लड को, यहाँ से जो आ रहा है ना इम्प्योर ब्लड ये कहलाएगा वेन, यहाँ लिख देते हैं हम, ये है वेन, ये क्या कैरी कर रही है इम्प्योर ब्लड। ठीक है जी, अब यहाँ पर लेकिन कुछ, यहाँ पर तो कुछ ब्लड लॉस हो गया भाई, मान लीजिए एक चीज़ मान के चलिए, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है 10 ml, कुछ तो लीक हो गया, तो लीक होने में मान लीजिए 0.2 ml निकल गया, तो कितना बचा 9.8 ml। ऐसे तो बार बार ब्लड लीक होगा और बार बार निकल जाएगा तो ब्लड तो कम हो जाएगा, तो इसको बराबर रखने के लिए यहाँ से एक ट्यूब निकलती है, और ये सारा का सारा लिम्फ इस ट्यूब में चला जाता है, इस ट्यूब को बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड लिम्फेटिक वेसल, क्या बोलेंगे इसको लिम्फेटिक वेसल। ये लिम्फेटिक वेसल ओपन हुआ किसके अंदर, ये जाके ओपन करता है वेन के अंदर, और इसको जो ब्लड जो लिम्फ इसमें बाहर आया था इसे वापस इस वेन में सप्लाई कर देगा, ताकि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे। ये सारे पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा, और अगर आपको समझ आया तो लिख लेना पॉइंट कहीं पर सारी, ठीक है, तो ध्यान से सुनना ये वाला लेक्चर, ये क्लियर हो गई सारी बात। अब एक चीज़ और देखो, जब ये लिम्फ फ्लो करेगा ना इस लिम्फेटिक वेसल में जाएगा, तो लिम्फेटिक वेसल में यहाँ पे कुछ सेल्स नोडल टिश्यू की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे, इन्हें बोलते हैं लिम्फ नोड। ठीक है, लिम्फ नोड क्या है, इट इज लिम्फोइड ऑर्गन, ये भी लिम्फोइड ऑर्गन है, और ये क्या करते हैं, दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर, ये फॉरेन पार्टिकल को किल करने का काम करेंगे। ठीक है,
अब देखिए फ्लो कर गया ना, ये बस खत्म। तो ये हमने समझ लिया लिम्फ के बारे में। ध्यान से एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं। ये आर्टरी है, हार्ट से प्योर ब्लड आ रहा है, ब्लड जाएगा ऑर्गन के पास कैपिलरी में, इन्हें बोलेंगे, अच्छा इन्हें क्या बोलते हैं, जो ये थिनर ट्यूब्स बनी हैं, दीज फाइनर ट्यूब्स आर कॉल्ड ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरीज में गया, कैपिलरी से ब्लड लीक हुआ, लीक होने के बाद यहाँ पर एक्सचेंज हुआ मटेरियल का, इम्प्योर ब्लड वापस वेन वेन्यूल्स में गया, फिर वेन्स में गया और वापस हार्ट में चला जाएगा, फिर वहाँ से लंग्स में जाएगा, प्योरीफाई होगा, वो बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ कुछ ब्लड लॉस हुआ है जिसे हम लिम्फ बोल रहे हैं। इस लिम्फ को, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए लिम्फ एंटर करता है वेसल के अंदर, उसे बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल, और यहाँ से ये आगे बढ़ेगा और किस में चला जाएगा, वापस मेन सप्लाई में चला जाएगा। एक चीज़ और देखिए, अब ये जब इसमें आ गया ना, तब तो इसे लिम्फ बोला गया है। जब ये बाहर रहता है, ये वाला फ्लूइड जो बाहर है टिश्यू के बीच में है, इसे बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। और हम लोग टिश्यू फ्लूइड लिम्फ को एक ही बात कह सकते हैं, दोनों एक ही हैं, टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ। बस फर्क क्या है, लिम्फ वेसल में फ्लो करता है, टिश्यू फ्लूइड बाहर होता है, टिश्यू के बीच में रहता है। तो ये हमने कवर कर लिया लिम्फ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ तक करके रखेंगे। थैंक यू सो मच।